लाहौर का मेन ऑडिटोरियम है ये, अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह आपको अंदर से आपको दिखाएंगे। No, please, no, no! अच्छा तो गाइस अभी हम आपको दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं ये पीछे टेबल्स लगी हुई हैं, ये क्लासेस से फ्री होके लड़के लड़कियाँ इधर आके
स्टडी ग्रुप स्टडी करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं माहौल, आप सामने देख सकते हैं जहाँ पे टेबल्स लगी हुई हैं और ये इधर लोग स्टडी करते हैं बैठ के। और ये हमारा कोर्ट यार्ड है, इधर ये स्पेशल जगह है, ये यूनिवर्सिटी की स्पेशल जगह है। चारों तरफ बिल्डिंगें हैं और दरमियान में ये जो स्पेस है ये कमाल की है। और ये सामने आपको नज़र आएगी कैफी है, इसमें आपको जूस और चाय वगैरह आपको इधर से मिल सकती है। और ये सामने मेन कैफेटेरिया आप देख सकते हैं ये है, और इधर नीचे आपको लाइब्रेरी नज़र आएगी। नीचे ये मेडिकल की जो लाइब्रेरी है, ये मेडिकल के लिए स्पेशल बनाई गई है। हम आए हैं, ये कोर्ट यार्ड है, ये एरिया आप देख सकते हैं, इसके चारों तरफ बिल्डिंग आपको नज़र आएंगे। ये जो है डबल ई वन है, और आप ये देख सकते हैं सामने कैफी आपको नज़र आएगी। ये क्लासेस आपको सामने आपको नज़र आएंगे, चारों तरफ बिल्डिंग। ये बहुत प्यारी जगह है, यूनिवर्सिटी की बेस्ट लोकेशन है। और इधर फंक्शन वगैरह होते हैं, स्पेशल जो इवेंट होते हैं, तो ये इस जगह पे फ़ोटो वगैरह जो निकालने हैं तो सामने आपको नज़र आएगी। ये स्टेज बनी हुई है, ये जो आपको नज़र आ रही है। और इधर ख़ास बात यह है कि शाम को इधर खेलते हैं हम, बड़े मज़ा आता है, बहुत बड़ा अच्छा माहौल होता है इधर, बड़ा रश होता है। क्या खेल रहे हैं? और इधर हम टेनिस वगैरह खेलते हैं, और क्रिकेट भी आगे खेल सकते हो। काफ़ी स्पेस आप देख सकते हैं, बड़ा ग्राउंड है, लेकिन नीचे कारपेट नहीं है, फिर भी जगह बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ये स्पेशल चारों तरफ आपको बेस्ट लोकेशन व्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, तो सभी आप देख सकते हैं आवाम कितनी सारी आपको नज़र आएगी इधर। अभी क्लासेस ख़त्म हो गए हैं, 5 बजे का टाइम है शाम, तो इस वजह से आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में कितना सारा अच्छा माहौल है, और इस टाइम बड़ा अच्छा रश होता है यूनिवर्सिटी में। और ये हमारे दोस्त सिविल इंजीनियर और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्लास, और ये मेन बात इसकी ये है कि इधर रौनक होता है इस जगह की, स्पेशल जगह है ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। अब दिखा हमारी मस्जिद, आपको इतना प्यारा व्यू इस टाइम मस्जिद का आ रहा है, ये सामने मॉस्क है और वो सामने डबल ही है, वो जो डबल ही है। और ये हेल्थ साइंसेज का डिपार्टमेंट है, ये वो है कि ये ला का जो है डिपार्टमेंट है, और सामने ग्राउंड एरिया है, ये हमारा स्टाफ लाहौर का ये बैठने के लिए ग्राउंड एरिया है, ये एम बी बी एस का डिपार्टमेंट है। ये आप देख सकते हैं लाहौर के बारे में, यूनिवर्सिटी लाहौर के मेरे तासरा यही है कि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है और एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे जो लोग हैं ना वो ज़्यादा ना अपने मुफाद के ज़्यादा मतलब ही हैं दोस्त ना। अलहमदा वेदर इसका अच्छा है, नंबर मोल इसका अच्छा है, और फैकल्टी भी अच्छी है, और मैं ऊँचू अपनी डिग्री से यूनिवर्सिटी लाहौर इंजॉय करते हैं। हम लोग क्लासेस वगैरह हो गई आपकी चीज़? हाँ, आज 3 क्लासेस थी, 1 लैब थी और 2 क्लासेस थी, और हम लोग मतलब एंजॉय प्रो सही मजे से सही टिका के एंजॉय कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का। और जितनी क्लास ना भी हम बढ़ गए थे यूनिवर्सिटी और एंजॉय से ही। तुमको पूरी यूनिवर्सिटी का रिव्यू दिया, पूरी यूनिवर्सिटी दिखाई, तो अभी हम चल के मतलब यहाँ पे डिफरेंट रैंडम स्टूडेंट से रिव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं इसके बारे में कि यूनिवर्सिटी कैसी है, यहाँ पे स्टडी कैसी है, यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो फिर आगे चल के किसी ना किसी स्टूडेंट से पूछते हैं, फिर फर्दर देखते हैं कि वो क्या कहें। क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? किस डिपार्टमेंट से हैं आप? अच्छा, सही। तो हमें ज़रा इस यूनिवर्सिटी के बारे में रिव्यू ले रहे थे, बताएं इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि कैसी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, स्टडी का माहौल वैसे माहौल पूरा अच्छी है, लेना चाहिए एडमिशन, लेकिन ये कि काफ़ी खर्चा भरनी है। अच्छा, सही। हाँ, सारी बात है, वो तो नज़र आता है वीडियो में लोगों को सारा व्यूज़ को कि बहुत ज़्यादा रश होता है, काफ़ी रौनक लगी रहती है हर टाइम, क्लास के अंदर इतने स्टूडेंट्स नहीं मिलते जितने बाहर मिलते हैं, तो इस चीज़ का क्या वो आप लोगों को कहना चाहेंगे कि ये सही है इस तरह से, मतलब जो बीच में गैप देते हैं क्लासेस के वो सही है या इस तरह से नहीं होना चाहिए? थोड़े से ज़रा कम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, चलें ठीक है जी, थैंक यू।